What's up guys? अगर आप लोग मुझे पुराने वीडियोस को देखते हुए आ रहे हो तो आप लोग ये बात जानते हो कि हम लोग अपनी GTA 4 को कई वीडियोस के अंदर रिमास्टर कर चुके हैं। किसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने 20 मोड स्किल से अपनी GTA 4 को रिमास्टर किया था और उसके बाद जस्ट 5 मोड स्किल से हम लोगों ने अपनी GTA 4 को रिमास्टर किया था। और गाइस हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम लोग अपनी GTA गेम्स को कम से कम मोड्स के अंदर ही रिमास्टर कर पाए। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने 5 मोड स्किल से अपनी गेम को रिमास्टर किया था और आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ इसी से मिलता जुलता ट्राई करने वाले हैं। जस्ट आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपनी GTA 4 के अंदर 3 मोड्स को इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे कि हम लोग वाकई में 3 मोड्स की हेल्प से अपनी GTA 4 को रिमास्टर कर सकते हैं या नहीं। गाइस मॉडिंग वेबसाइट्स पर रिसर्च कर करके मैंने जस्ट 3 ऐसे मोड्स को पिक किए जिनको आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपनी GTA 4 के अंदर इंस्टॉल करने वाले और ऑब्जर्व करने वाले कि क्या हमारी GTA 4 जस्ट 3 मोड की हेल्प से रिमास्टर हो सकती है या नहीं। और इसी क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा वीडियो के एंड में। गेम की फाइनल लुक को देखकर ही हम लोग किसी कंक्लूजन को निकाल पाएंगे। बस GTA 4 को अगर देखा जाए तो GTA 4 के अंदर हमें जिन चीजों को रिमास्टर करने की जरूरत है उनमें सबसे पहला नाम है ग्राफिक्स का। GTA 4 के ग्राफिक्स आज के टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। डे टाइम के अंदर ये एक हाई कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं जिससे गेम बिल्कुल भी प्लेबल नहीं होता और नाइट टाइम के अंदर ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाते हैं जिससे गेम बहुत ही ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का दिखाई देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपनी GTA 4 के अंदर ग्राफिक मोड को इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है GTIV लॉस सैंटोस वेदर। अब आपको उसके नाम से अंदाजा हो गया होगा कि किस टाइप का ग्राफिक्स मोड है या किस टाइप की वाइब आपकी गेम के अंदर क्रिएट करता है। इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद आपकी GTA 4 के टोटल ग्राफिक्स इंप्रूव हो जाएंगे और आपकी गेम के अंदर GTA 5 से इंस्पायर्ड ग्राफिक्स ऐड हो जाएंगे। आपकी GTA 4 का जो टाइम साइकिल है जो वेदर साइकिल है वो टोटली GTA 5 के स्टाइल में हो जाएगा। आपको अपनी GTA 4 के अंदर GTA 5 के स्टाइल में वेदर, टाइम्स, स्काई बॉक्स और उसके अलावा सारे ग्राफिकल फीचर्स आपको GTA 5 से इंस्पायर्ड देखने को मिलेंगे और जस्ट एक मोड आपकी GTA 4 के अंदर ग्राफिक्स प्रॉब्लम को कम्प्लीटली फिक्स कर देगा। इस ग्राफिक मोड को इंस्टॉल करने के बाद आपकी जो GTA 4 है वो मॉर्निंग में कुछ इस टाइप की दिखाई देगी, डे टाइम में कुछ इस टाइप की दिखाई देगी और इवनिंग में कुछ इस टाइप की दिखाई देगी और नाइट टाइम में ये कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। आप लोग देख सकते हो हमारी गेम कितनी ज्यादा ऑसम हो चुकी है, ग्राफिक्स कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। अब गाइस ग्राफिक्स तो हमारी गेम के अंदर इंप्रूव हो चुके हैं और ग्राफिक्स के बाद अपनी गेम के अंदर जिस मोड को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसका नाम है हाई डेफिनेशन रोल्स। आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमें GTA 4 के जो रोड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा लो है। हमें 90s के टाइम के रोड्स अपनी GTA 4 के अंदर देखने को मिलते हैं बट इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद फुल हाई क्वालिटी के हाई रेजोल्यूशन के रोड टेक्सचर्स आपकी गेम के अंदर ऐड हो जाएंगे जैसे आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। अब GTA 4 के अंदर एक और भी ऐसी चीज है जिसके बगैर शायद ही हम लोग GTA 4 को प्ले करें और वो है व्हीकल्स। अब अगर हमें व्हीकल्स भी आउटडेटेड देखने को मिलेंगी तो गेम का वो मजा नहीं आएगा। तो अपनी गेम के अंदर हाई क्वालिटी व्हीकल्स को इंस्टॉल करने के लिए जिस मोड को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसका नाम है रियलिस्टिक कार पैक। इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद आपकी गेम के अंदर सारी कार रियल लाइफ इंस्पायर्ड ऐड हो जाएंगी और आपको GTA 4 के अंदर हर तरफ ब्रांडेड और न्यू कार्स देखने को मिलेंगी। ये कार्स बहुत ही ज्यादा ऑसम है, आप लोग इनके मॉडल यहाँ पर चेकआउट कर ही पा रहे होंगे। इसके अंदर आपको लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और BMW जैसे मॉडल्स देखने को मिलेंगे और उसके अलावा भी हमें काफी ज्यादा ऑसम कार्स अपनी गेम के अंदर देखने को मिलती हैं। और GTA 4 को रिमास्टर करने के लिए व्हीकल्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करती हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमारे व्हीकल्स कितने ज्यादा ऑसम हो चुके हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारी गेम जो है वो रिमास्टर हो चुकी है और आप लोग ग्राफिक्स भी चेकआउट कर सकते हो और रोड क्वालिटी भी चेकआउट कर सकते हो। गाइस हमने जस्ट 3 मोड्स को अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल किया और 3 मोड्स के अंदर ये बहुत ही ज्यादा बेटर लग रही है। गाइस अगर हम लोग अपनी गेम के अंदर ज्यादा मोड्स को इंस्टॉल करते तो हमारी गेम और भी ज्यादा ऑसम हो सकती थी बट 3 मोड्स के अंदर ये बहुत ही ज्यादा बेटर है और प्लेबल भी है। गाइस ये थी आज की एक शॉर्ट सी वीडियो जिसकी हेल्प से हम लोगों ने जस्ट 3 मोड की हेल्प से अपनी GTA 4 को टोटली रिमास्टर कर दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से करो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि हमें नेक्स्ट किस गेम को रिमास्टर करना चाहिए। बाकी यार वीडियो को लाइक करना ना भूलो और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी से कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।